हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस टॉपिक में आए हुए। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात बताऊँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले सीटेट की एग्ज़ाम तक हम हर दिन किसी न किसी एक टॉपिक में सीटेट की जो क्वेश्चंस आए हुए सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का एक पैटर्न मिल जाए और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका अंदाज़ा भी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में चिल्ड्रन जनरली लर्न, तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे कैसे सीखते हैं। तो हम लोग का पहला ऑप्शन ये है कि इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर टू दिया हुआ है मेनली फ्रॉम द टीचर। ऑप्शन नंबर थ्री दिया हुआ है इंडिविजुअली, एंड ऑप्शन नंबर फोर दिया हुआ है क्या इन ग्रुप्स। तो एक चाइल्ड सेंटर क्लास में जो बच्चे की सीखने की जो तरीका है वो अगर हम ऑप्शन से एनालाइज करें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप्स, ये तो सही है, क्योंकि इंडिविजुअली हर वक्त जो एक बच्चा इंडिविजुअल सीखता है ऐसा नहीं होता, कभी कभी इंडिविजुअली भी सीखता है, कभी कभी इन ग्रुप्स में भी सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड ऑप्शन मेनली फ्रॉम द टीचर, तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में एक टीचर का जो रोल होता है वो एक गाइड की तरह, वो मेन सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज टीचर नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन क्या है, इंडिविजुअली, सिर्फ इंडिविजुअली सीखना नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन इन ग्रुप, सिर्फ ग्रुप में भी सीखना नहीं होता। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन ड्यूई और एग्जांपल्स ऑफ। तो लैब स्कूल जो जॉन ड्यूई ने स्टार्ट किया था उस स्कूल का एग्जाम्पल कौन सा है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक स्कूल्स, कॉमन स्कूल्स, फैक्ट्री स्कूल्स और प्रोग्रेसिव स्कूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज फैक्ट्री स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय हुच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर और जॉन ड्यूई। तो हम लोग का क्वेश्चन और एक बार पढ़ा जाए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई हुच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा थिंकर ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को एडवोकेट किया। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन की, क्योंकि इसको दिया था एरिक एरिक्सन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में द टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बी प्रोवाइडेड, दैट स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन बाय यूजिंग द सेम मेथड्स एंड मटेरियल्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता, पूरी 100% ये तो नहीं बता सकते। तो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बी All students should be provided an education which is most appropriate to them and their future life at work. तो ये इस ऑप्शन में कहा गया है कि एक ऐसा शिक्षा प्रोवाइड किया जाए जो उसकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, पहला कंडीशन, और उसके फ्यूचर लाइफ में भी काम आ सके। तो यही है ना एजुकेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखा जाए, रिसीव इक्वल एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड रिलीजन। ये भी सही है, लेकिन हर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये बता नहीं सकते, क्योंकि कास्ट, क्रीड, कलर, इसमें मेनी केसेस हम लोग देख सकते हैं कि सेम एजुकेशन एजुकेशनल स्ट्रेटेजी काम नहीं करता।
तो हमारा सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ हुच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन सा, नीचे दिया हुआ जो स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट के साथ मिला हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टीचर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलाबोरेशन. थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे विथ फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरी. फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एग्जामिनेशन इज नॉन रेफरेंस्ड एंड एक्सटर्नल. तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे. लर्निंग एक सीधी स्ट्रेट वे पे प्रोसीड करता है जो विथ फैक्चुअल गैदरिंग, फैक्ट्स गैदर करना और एंड स्किल मास्टरी और स्किल को आयत करना, एक्वायर करना. तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लास सेवन स्टूडेंट मेक्स एरर्स इन मैथमेटिक्स. ए क्लास सेवन का एक बच्चा मैथमेटिक्स में गलत करता है. तो एज ए टीचर यू वुड, तो एज ए टीचर हम क्या करेंगे उस वक्त. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर ये तो डिस्कवरी मेथड का ही क्वेश्चन है तो जिसमें करेक्ट आंसर प्रोवाइड करने से उसका थिंकिंग लेवल, उसका क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा. तो हम ये नहीं कर सकते परफेक्टली अगर हम डिस्कवरी प्रोसीजर में टीचिंग लर्निंग को क्रिएट करना चाहे. तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर टू दिया हुआ है अलाउ द स्टूडेंट टू यूज़ कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर क्लास में यूज़ करना तो ये एक अच्छी तरीका नहीं है. थर्ड आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ ऑल्टरनेटिव मेथड और रीडू इट टू फाइंड आउट एरर्स इन हिज ऑन हिज हर ओन. तो उसको पूछना है, उसको बताना है कि और फिर से कर लो या ऑल्टरनेटिव कुछ, या अगर किसी एक तरीके से वो कर नहीं पा रहा है तो हम किसी और तरीका हम बता सकते हैं कि इस तरीके से देख लो शायद आ जाएगा. तो इसमें से क्या होगा वो बच्चा खुद करने में, वो बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपने आप में उस उसमें एक क्षमता आ जाएगी. फोर्थ ऑप्शन सो द स्टूडेंट हुए द एरर वेयर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट टू रीडू इट. ये तो साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाई चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. तो नीचे दिया हुआ जो भी ऑप्शन है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करता है कि एक क्लासरूम में बच्चे की क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चंस इंक्रीजेस द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रेन. तो सेकंड ऑप्शन क्या हुआ है चिल्ड्रेन कैन बी मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाय मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दे डोंट नो अबाउट. थर्ड ऑप्शन दे क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है चिल्ड्रेन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स. तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड. तो क्वेश्चन एक किसी भी बच्चे की लर्निंग को आगे ले जाता है बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो कॉन्सेप्चुअली भी उसका क्लैरिटी मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लर्नर सेंटर क्लासरूम द टीचर वुड. लर्नर सेंटर क्लासरूम में टीचर क्या करता है, टीचर का रोल क्या है. तो फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर मार्क्स टू फैसिलिटेट लर्निंग. ये तो नहीं हो सकता. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है यूज लेक्चर मैथड टू एक्सप्लेन की फैक्टर्स एंड देन असेस द लर्नर्स ऑफ देयर फॉर देयर अल्टरनेटिव. ये भी नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन demonstrate what she expects her students to do and then gives them guidelines to do the same. Fourth option they have employ such methods in which the learners are encouraged to take initiative of their own learning. So fourth is the correct option. Next question, progressive education. Progressive education ka matlab kya hai,
किस पर बेस्ड है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइन्फोर्समेंट। सेकंड ऑप्शन इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स सिंस दे आर द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। थर्ड ऑप्शन रीअफर्म्स द बिलीफ दैट द टीचर हैज टू बी फर्म इन हर अप्रोच एंड इन टूडेज वर्ल्ड चिल्ड्रेन कैनॉट बी टॉट विदाउट यूजिंग पनिशमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ, ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एजुकेशन सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एम्फेसिस दे रहा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना करना और क्रिटिकल थिंकिंग को और फ्लोरिश करना। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज दैट इन व्हिच। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि द टीचर्स रूल इज टू प्रेजेंट द नॉलेज टू बी लर्न्ड एंड टू असेस द स्टूडेंट्स ऑन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। ऑप्शन नंबर टू, द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर थ्री, देयर्स there's coercive and psychological control of the teacher who determines the learning trajectory and the behavior of the children. Option number 4 diya hua hai ki the teacher lays down uniform ways of behavior for children and gives them appropriate rewards when they do the same. To hum log ka correct option ye hai ki option number 2, kyunki the students with the teacher's guidance चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का की फीचर यह है कि द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस, जो टीचर है उनकी गाइडेंस पे आर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, उसका खुद का अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करे। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर सेंटर अप्रोच मीन्स। लर्नर सेंटर अप्रोच का मतलब क्या है? That teachers draw conclusions for the learners. ये तो perfectly नहीं हो सकता। Second option दिया हुआ है traditional expository methods। Third option दिया हुआ है traditional तो नहीं हो सकता। Third option दिया हुआ है use the methods in which teacher is the main actor। तो ये तो teacher centered हो गया। तो fourth option correct है, क्योंकि fourth option में दिया हुआ है methods हुए learners own initiative and efforts are involved in लर्निंग। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटिस दैट द क्लासरूम इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑथोरिटेरियन हेयर द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉलो मीकली। ऑप्शन नंबर टू, फ्री फॉर ऑल विद द टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट। ये तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है, इन फुल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु इज डिक्टेटोरियल। ये तो नहीं हो सकता। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी एक तरह की डेमोक्रेटिक एजुकेशन है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रेन फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंट्स। तो ऑप्शन नंबर वन दिया हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या है। तो ऑप्शन नंबर वन दिया हुआ है कि गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस। ऑप्शन नंबर टू दिया हुआ है क्या, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन। ऑप्शन नंबर थ्री, एनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर फोर, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर वन दिया हुआ है कि गिविंग प्राइमेसी, प्राइमेसी मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट में क्या हुआ है, क्या होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है, जो एक्सपीरियंस है, बच्चे को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है, द टीचर डिक्टेटिंग द क्लासरूम, तो यहाँ पे तो टीचर सेंटर्ड हो गया। तो थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ है,
एनेबलिंग द चिल्ड्रेन टू फॉलो प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन, ये तो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया है। फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, तो टीचर ही डिक्टेटर है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों के साथ ट्यून रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप लोगों का जो भी फीडबैक है वो हम लोग वो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताना मत भूलिए। थैंक यू।